उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव कौसानी, जहां जन्म हुआ प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत का। 20 मई 1900 को जन्मे सुमित्रानंदन पंत की माताजी उनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही चल बसी थी। प्रकृति कई बार पंत जी की कविताओं की प्रेरणा स्रोत बनी। 28 दिसंबर 1977 को पंत जी ने इस दुनिया को अलविदा जरूर कहा, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं आज भी हमारे बीच जीवित हैं। भारत माता ग्राम वासिनी हो या फिर चीटी को देखा, इस तरह की कविताएं लिखने वाले सुमित्रानंदन पंत जी की पुण्यतिथि पर मैंने उन्हें कुछ यूं याद किया। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब मेरा परिचय पहली बार उनसे हुआ तो मुझे ना तो इस बात का अंदाजा था कि छायावाद क्या होता है, ना ही मुझे ये बात ज़्यादा पता थी कि कवि कौन होते हैं। मेरा परिचय उनसे हुआ 5 साल की उम्र में, जब मैं अपने ननिहाल कौसानी गई और मेरे नाना जी घुमाते हुए कौसानी के कुछ पहाड़ों पर मुझे उन्होंने दिखाया कि ये पंत जी का घर है। तो वहाँ से वो पंत जी का जो नाम था मेरे जहन में अंकित हो गया। उनकी कविताओं से तो मेरा जो आमना सामना है वो बहुत आगे जाके हुआ, लेकिन वो नाम मेरे बचपन के साथ जुड़ गया और वो यादें आज भी ताज़ा हैं। तो आज के अंक में मैं आपको ले जाऊंगी यहाँ सीधे सिंगापुर से कौसानी, और जो पंत जी का घर जो मेरे बचपन में ठीक हालत में नहीं पड़ा था, आज की तारीख में एक संग्रहालय के रूप में तब्दील किया जा चुका है, और मेरे भाई रोहन बिष्ट ने वहाँ से उसका एक वीडियो बना के भेजा है। तो आइए पहले मैं आपको पंत जी का घर दिखाती हूँ। पंत जी की टेबल, पंत जी के वस्त्र, ये पंत जी को जो सम्मान मिला वो जो आगे वो लिखा है, पंत जी ने अपनी शादी के संबंध में लिखा है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाग में कैसे हो जादू लोचन। आगे वाला जो है वो बालों के संबंध में लिखा है, घने लहरे रेशम के बाल, मैंने देवी तुम्हारा। ये पंत जी की यूज की हुई अटेजी चादर शॉल, पंत जी की खटिया, पंत जी की अलमारी। ये फोटो है डायमंड जुबली हॉस्टल इलाहाबाद का, चीफ गेस्ट हैं पंत जी। आप हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। रूसी साहित्यकारों के साथ पंत जी, कवि समुदाय के साथ पंत जी। आप हैं महाकवित्री महादेवी वर्मा, मैथिली शरणगुप्त, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सुमित्रानंदन पंत। ये आनंद भवन इलाहाबाद का है फोटो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। बच्चन परिवार के साथ पंत जी, अमिताभ बच्चन, अमिताभ की माँ तेजी बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन। अमिताभ का नाम पूर्व में इनकलाब बच्चन था, अमिताभ नाम पंजी ने दिया, और पंजी का भी प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त था, बाद में इन्होंने स्वयं अपना नाम सुमित्रानंदन रख लिया। ये यूपी में प्रतापगढ़ के राजा कुंवर सुरेश सिंह सुमित्रानंदन पंत। मास्को में पंत जी, युवावस्था में पंत जी, पंत जी डॉक्टर नगेंद्र सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सुमित्रानंदन पंत। सामने जो चेक वाला कोट है उसमें है पंजी का कोट, वो टगाल। महाकवित्री महादेवी वर्मा सुमित्रानंदन पंत, पंत जी जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रहे, इन्होंने शादी नहीं की थी। ये इनकी बहन शांता है, दत्तक पुत्री सुनीता जोशी। भगवती चरण वर्मा सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ये पंत जी की हैं सारी फोटो, पंत जी, पंत जी। मास्को में पंत जी, पंत जी शिशु अवस्था में पंत जी, लेकिन माँ की गोद में नहीं है। इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माँ का देहांत हो गया था, इनका पालन पोषण की बुआ ने किया। सुमित्रानंदन पंत, उनके मामा मथुरादत्त जोशी। पंत जी के 3 बड़े भाई, हरिदत्त पंत, देवीदत्त पंत, रघुवर दत्त पंत। ये 7 साल की उम्र में हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी के पिताजी गंगाधर पंत ब्रिटिश शासनकाल में चाय फैक्ट्री के मैनेजर थे। इनको ये घर ब्रिटिश सरकार का दिया घर था। इनका पैतृक घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर शिवनरापुर गांव था, मास्को में पंत जी। आप हैं रामधारी सिंह दिनकर सुमित्रानंदन पंत,
डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, ये बंगाल के फेमस कवियों में हैं। सुनील गंगोपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत जी, ये इनके मित्र हैं पूरी। ये है पंत जी की जन्मस्थली, कर्मस्थली अल्मोड़ा, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। बुक से पंत जी ने 40 रचनाएं लिखी थी। हिंदी का सबसे पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला था, चिदम्बरा पर। बाकी ये बुक्स जो है पंत जी का कलेक्शन है जो उन्होंने पढ़ी थी। ये है पंत जी का जन्म स्थान, कर्म स्थान अल्मोड़ा, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। आई होप ये वीडियो देखकर आपको पंत जी के जीवन के कुछ पहलुओं का अंदाज़ा आया हो। अगले एपिसोड में मैं आपको मिलवाऊंगी पंत जी के परिवार के एक बहुत ही खास सदस्य से, जिनसे मेरी मुलाकात यहाँ सिंगापुर में हुई, और हम करेंगे बातें पंत जी के कुछ जाने कुछ अनजाने पहलुओं के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। समथिंग इंडियन विद दीप्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ है तो ही तो बात है। एंड टिल वी मीट अगेन, स्टे सेफ एंड स्टे फिट।